मैं अंकुर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और बायोग्राफी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे दलाल स्ट्रीट के किंग कहे जाने वाले हर्षद मेहता के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 के दिन राजकोट के पानेली मोलती में एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था। उनके पिता का नाम शांतिलाल मेहता था और माता का नाम रसीला बेन मेहता था। हर्षद मेहता का एक भाई था जिसका नाम अश्विन मेहता था। हर्षद मेहता के जन्म होते ही वह और उनका परिवार मुंबई में रहने के लिए आ गए थे, जिसके कारण उनका बचपन मुंबई के कांदिवली में बीता था। उनके पिता मुंबई के कांदिवली में टेक्सटाइल के एक छोटे से व्यवसायी थे। हर्षद मेहता ने अपनी पढ़ाई मुंबई के होली क्रॉस बेरोन बाजार सेकेंडरी हाई स्कूल से पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद करीब 8 सालों तक छोटी छोटी नौकरी की। बीकॉम होते ही उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस नामक कंपनी में सेल्समैन की नौकरी कर ली। इसी को करते करते उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। अब वह अपनी जिज्ञासा स्टॉक मार्केट में बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए सेल्समैन की नौकरी छोड़ दी और हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम के यहाँ ब्रोकर में जॉब कर लिया। जब हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में आए तब उनके पास एक छोटी नौकरी थी और कुछ नहीं। जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में घोटाला किया तब उनकी नेटवर्थ बहुत तेज बढ़ गई थी। उस समय हर्षद मेहता के पास अलग अलग कंपनी के कुल 28 लाख शेयर थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 250 करोड़ थी। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के दलाल थे। वह 1984 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के दलाल बने थे और ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट नाम के फर्म की स्थापना की थी। 1984 से लेकर 1990 तक लोगों ने हर्षद मेहता के फर्म में तेजी के साथ निवेश करना शुरू कर दिया और हर्षद मेहता का फर्म काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। हर्षद दिमाग बहुत तेज चलाता था, जिसके बल पर उन्होंने स्टॉक मार्केट से बहुत ही तेज और बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। देखते ही देखते वह स्टॉक मार्केट के बहुत ही कम समय में एक्सपर्ट हो गए थे, जिससे लोग उन्हें बिग बुल के नाम से जानने लगे। 1990 के दशक के शुरुआत तक भारत में सभी बैंकों को इक्विटी बाजार में किसी भी प्रकार का निवेश करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। अब उस समय किसी भी बैंक को अगर किसी दूसरे बैंक से लोन लेना हो तो लोन लेने वाली बैंक को दूसरी यानी कि लोन देने वाली बैंक को बॉन्ड देना होता था, और इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए एक दलाल का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस समय ये प्रक्रिया दलाल के माध्यम से करना पड़ता था और हर्षद मेहता एक दलाल था। अब हर्षद मेहता सभी जरूरियात मंद बैंकों के नाम पर नकली बैंक रसीद बनाकर किसी दूसरे बैंकों को वे रसीद देकर उन बैंकों से पैसे लेने लगा। इसी चीज़ का फायदा उठाकर हर्षद मेहता घोटाले करने लगा। 90 के दशक में सभी बैंक्स की जरूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत ही चालाकी से नकली बैंक रसीद बनाकर अलग अलग बैंक्स से पैसा लिया और सभी पैसे को शेयर बाज़ार में निवेश कर दिया। यह करने के बाद हर्षद मेहता ने सभी बैंक्स को ऊंचे ब्याज दर का वादा भी किया, लेकिन थोड़े ही दिनों में मंदी का दौर शुरू हो गया और मंदी की वजह से हर्षद मेहता का बहुत घाटा हुआ। अब सभी बैंक्स ने अपने पैसे वापस मांगना शुरू कर दिया। 23 अप्रैल 1992 के दिन एक वरिष्ठ पत्रकार सुचेता दलाल द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइन कॉलम में हर्षद मेहता के सभी घोटाले का खुलासा किया। हर्षद मेहता के बढ़ते घोटाले की वजह से उन पर 72 अपराध का आरोप लगा और उन पर 500 से 600 से अधिक सिविल एक्शन सूट दर्ज किए गए।
हर्षद मेहता के ऊपर ही बहुत ही ज़्यादा आरोप लगने लगे थे, इसीलिए सेबी ने उन्हें शेयर बाजार से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। हर्षद समेत 6 आरोपियों को 5,000 करोड़ के घोटाले में शामिल होने का दोषी ठहराया गया और 9 नवंबर को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर ठाणे जेल भेज दिया गया था। हर्षद मेहता जब जेल में थे तभी एक दिन उनके सीने में दर्द होने के कारण ठाणे के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 31 दिसंबर 2001 को 47 वर्ष की उम्र में हर्षद मेहता का हृदय बीमारी के कारण मृत्यु हो गया। मुझे वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने के लिए 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।